First of all, some competition, some of the CRC कंपाइलर के बीच में हम लोग जो है इस बार खत्म किया गया है और इसमें हम लोग बहुत सारा बड़ा हम लोग जो है अमाउंट और बड़ा प्राइस में रखा हुआ है तो इसमें उसको जीतने के लिए और अब जो है अपना टैलेंट को भी शो करने के लिए जो है आप यहाँ पर कोशिश करना है नए समय से भी अब अपना बेस्ट को देने के लिए ट्राई करना है ना वैसे लोग हालेलुया और आज का हम लोग का टीम जो है रहेगा साम नंबर 104 वर्स 33 इसके थ्रू जो हम लोग का ये सॉन्ग बजाना जो शुरुआत करेगा एक बार फिर गाउन करना चाहूँगा I will sing to the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. कि डेविड जिस तरह बोला था तो इसके थ्रू जो है आज जो गाना या गीत है उन लोग भी एकदम मन से ना एकदम प्योर हार्ट से जो है गाने के लिए कोशिश करना है ऐसा मतलब प्रभु भी सबको काम करेंगे तो आइए हम सब एक बार खड़े हो जाएंगे हम सब एक बार करके हो जाएंगे और सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि आज हम लोग का वर्षों कॉम्पिटिशन हम लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहा है इसके थ्रू से भी हम लोग प्रभु की महिमा और हम लोग अच्छे अच्छे सिंगर्स लोग वर्षों लोग निकाल सकने के लिए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे आए चले तो है इन्वाइट है तो सबसे पहले हम लोग का जज नंबर 1 में रहेगा हम उसके लिए अभी ताली बजा देंगे हम लोग का एवेंजेलिस्ट नामक पावो सर जो कि हम लोग का बहुत ही शानदार अच्छे गाने वाला ये भी सिंगर है इसके काम जो आपकी समय पाप छोड़ यहाँ पर आ गया है आप दोनों ने और स्पीच में जज के तौर पर जो है मैं खुद भी रहूंगा आपका बीच में कौन कैसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है चेक करने के लिए तो मेरे लिए बड़ा मजा आ गया और हम लोग का यहाँ पर एक ऐसा रूल्स होगा हम लोग का इस कॉम्पिटिशन में जो है कॉम्पिटिशन एक ऐसा रूल्स होगा हम लोग जो है आप लोग को थोड़ा सा शॉर्टली 1 मिनट इंट्रोडक्शन टाइम देने का मौका देगा 1 मिनट या तो 30 सेकंड के लिए आप इंट्रोडक्शन देना है उसके बाद में आपका यहाँ पर उधर से भी मार्क देगा और आपका यहाँ पर बिहेवियर किस तरह से आप डील करता है किस तरह आप डिसिप्लिन जैसे जैसे प्रेजेंट करता है उसके थ्रू भी आपको मार्क दिया जाएगा और आपका कंक्लूजन आपका मीनिंग एंड ट्यून और आप किस तरह डेडिकेट करके गाया है उसके ऊपर कंक्लूजन भी कुछ मार्क रखा गया है इसके लिए जितना सके आप बेस्ट को देने के लिए कोशिश करना है ओके सब तैयार है ना और कौन कौन लोग का दिल थोड़ा अभी इधर उधर हो रहा है थोड़ा कैसे एक बार मैं देखना चाहूँगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है ना होना चाहिए और होता भी है कोई बात नहीं तो उस हिसाब से हम लोग का मार्क्स को देगा और हम लोग जो किसी को भी आगे जाना है वो गाना हम लोग नहीं बोलेगा हम लोग यहाँ पर लॉटरी लिखा गया है यहाँ पर कंटेस्टेंट हम लोग का यहाँ पर 10 मेंबर्स आए हैं जो पार्टिसिपेट करेगा तो उसमें भी 10 होगा चीफ जो है तो हम लोग जज को जो है उठाने देगा तो उस जिसका नाम आता है वो सबसे पहले गाएगा ओके एक्सेप्ट है ना नहीं तो हम उसको आएंगे और उसके बाद से थोड़ा भैया पे ब्रेजिंग और क्या ऐसा भी लाएगा ना इसके लिए हम लोग जो है एक बार हम लोग का जो चीफ को पकड़ रहा है ब्रदर तानु फ्रेंड के लिए एक बार जोरदार क्लियर कर देगा और जज नंबर 1 को आप एक चीफ उठाने दीजिए ना आए हम अपने इस कंपटीशन को शुरू करेंगे और यहाँ पर आप लोग जो है गाएंगे ना नीचे में नहीं गाएगा आप लोग जो है ऊपर में एक सॉन्ग को प्रेजेंट करेंगे उठाने दीजिए कोई जानता है नहीं जानता है ना आप लोग का कंटेस्टेंट नंबर 2 में
हैं हमारे सिस्टर दोस्त भी कर गए हमें बर्थडे के साथ हमारे दोस्तों को बुलाएंगे और आप अपना समय को ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सिंगर है, एक बहन भी और हम लोग भी जो है जब गीत गाता है उन लोगों के साथ गुनगुना सकता है ना, उधर बैठ कर जो है हम लोग साथ में आराम से हम लोग जो है ताली बजाते हुए
नंबर सिक्स ओके कंटेस्टेंट नंबर सिक्स हमारे सिस्टर मार्ता रीता के साथ हम स्वागत करेंगे सिस्टर मार्ता रीता तुम्हारे Praise the Lord. Hallelujah. मेरा नाम मार्ता रीता है और मैं सीओबी डिस्ट्रिक्ट से हूँ तातो से वीडियो बना और आज का मेरा जो गाना है ये एक आदि सॉन्ग है ना Thank you.
बारे में एक पूछ के देते हैं। मदर मेरी का बेटा कौन था? जीसस। करेक्ट। जो ऑकवर्ड फील नहीं करना है, खाली सी फील मत कीजिए, ये एक प्रैक्टिस ही तो है ना। आप लोग यहाँ से जो है आगे जाके आपका लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगा, उसके लिए खास करके ना आप लोग का वो जो है लीडरशिप क्वालिटी आप लोग का कैंडिडेट लेवल जो है एंजाइटी दूर हो, इसलिए अभी ऑकवर्ड फील नहीं करना है। कोई क्वेश्चन पूछने से ना क्वेश्चन ज़्यादा तब वाला नहीं पूछेगा, वो नहीं जानने से भी तो कोई बात नहीं है, बाद में आगे जल जाएगा, इसलिए बता रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कॉलेज में है ना, कितना साल हो गया ये चर्च जीसस को आप एक्सेप्ट किया है बचपन से? आठ साल ना, सात साल। अच्छा, आपका हिसाब से इजी वाला क्वेश्चन है, रिपेंटेंस को आप कैसे डिफाइन करते हैं? रिपेंटेंस मतलब क्या, जो भी रिपेंटेंस बोलने से मतलब मेरा हिसाब से बोलने से मतलब रिपेंटेंस वो नहीं है जो जैसे कि सिगरेट छोड़ देगा ना, बियर छोड़ देगा, दारू छोड़ देगा, ये सब रिपेंटेंस नहीं है मेरे ख्याल से। रिपेंटेंस वो है जो अपना दिल से परमेश्वर के लिए मतलब अपना दिल से ना जो परमेश्वर के लिए काम करेगा वही रिपेंटेंस है। जो सीक्रेट दाम छोड़ना ये मेरे ख्याल से ये रिपेंटेंस नहीं है। आपके कद से नंबर वन प्रोटेक्ट प्राइमरी का आयाम कैच के साथ से उधर मोहल्ले का तो बुलाएंगे यम गाएगा वो जो है आया है। आए आप स्वागत करते हैं हमारे मंत्र मोबाइल लेकर को। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले तो जीवित परमेश्वर को धन्यवाद ना, और मेरा नाम मोबाइल लेकर है, हायर स्कूल में पढ़ता है काम करता ना, और जो हम गाएगा उसको गाना का नाम है दिल का राजा। नहीं गा सकते लेकिन ट्राई करें। सिंगर तो
सिंगर्स और वर्शिपर का डिफरेंस, इसलिए मैंने आपको पूछा ताकि कल जाके आप क्लियरली जाने ना। आज जैसे कि आप गीत गाना है, आप किसके लिए गाना है? परमेश्वर के लिए गाना है। तो वर्शिपर लोग क्या होता है? वो जो भी हम चीज़ करता है, गाता है, नाचता है, झूमता है, केवल परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए करते हैं। बट सिंगर्स दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारा वॉइस क्वालिटी, बहुत सारे टैलेंट है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं करता, लेकिन लोग फ्लेक्स की डिजायर के लिए करता है। डिपेंड कर समझ गए ना। इसलिए आज आप जैसा भी गाओ, लेकिन अपना कर्म और अपना जो भी चीज़ कार्य होता है परमेश्वर के लिए करते जाओ। यू ऑल्सो आप जो है क्या करेगा, बच सकता है यूनिवर्सिटी पर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आइए हम जोरदार क्लैप के साथ में ब्रदर को Jesus ne cruz lo pita
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा तो खुशी की बातें हमारा प्रोफेसर कर रहे थे ना तो हिंदी न्यूज का नाम से यीशु को नहीं यीशु मसीह को तेरे करते समय में किसने सिपाही का कान को कटा रेवेंशन बहुत ही बहुत बढ़िया क्वालिटी आता आवाज़ ना हम कभी सुनाई नहीं संडे में भी संडे में गाना हम प्रिपेयर करके गाते रहो सुना है ना जब हम तो हमेशा बोलता है और बाइबल में भी यही लिखा है कि जो गा सकता है गाने दो जो बोल सकता है बोलने दो जो दे सकता है दे दो बोलते हैं ना जब गा सकने वाला आपको जो नहीं सकता उसको डिस्करेज नहीं कर रहे जो गा सकता है वो लोग गाने से सुन के दिल को सुकून मिलता है आज बहुत ही अच्छा लगा बहुत बढ़िया गाना गाया तो मेरा एक सवाल है कि अब तो बाइबल जानते ही ना तो बचपन से बिलीवर है तो जीसस के हिसाब से होली बाइबल के हिसाब से हम लोग आदमी को कितना टाइम माफ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू जीसस किसी निजी जिंदगी में तो एक आदमी को उतना माफ करने का समय ही नहीं आएगा तीन बार में वो रिपेंट हो जाएगा आपका दोस्त बन जाएगा माँ बन जाएगा पिताजी बन जाएगा है कि नहीं थैंक यू प्रेज़ द लॉर्ड सबसे पहले जीवन में धन्यवाद करना चाहिए इतना सुंदर मौका समय देने के लिए आपको और मेरा नाम तेरेसा रक्षक है और मैं एक गर्ल सॉन्ग रिप्रेजेंट करना चाहिए छोटा सा है